रायपुर में जेसीबी का किराया ना देने पर जेसीबी बेचने का मामला सामने आया है। मामला टिकरा पारा थाना क्षेत्र का है, जहां पर पांच लोगों की पांच जेसीबी अफ्ताब मेमन, दीपक साहू और भुवन नामक के व्यक्तियों ने 1,00,000 रुपए प्रति महीने की दर से किराए पर लिया था। वही जेसीबी के मालिकों ने अपनी जेसीबी वापस मांगना चाहा तो उसे कई दिनों से गुमराह किया जा रहा था, जिसके बाद परेशान होकर पीड़ित ने टिकरापारा थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं जब थाना प्रभारी अमित बैरिया ने आरोपी के नंबर पर फोन लगाकर बात की तो आरोपियों ने 4 अगस्त तक जेसीबी वापस करने का वादा किया, लेकिन अभी तक आरोपियों ने जेसीबी वापस नहीं की। ये खल्लारी महासमुंद के पांच लोग हैं जिन्होंने नई जेसीबी मशीन खरीदी थी और इन्होंने दीपक साहू करके 1,00,000 रुपये रख रहा था, उसको एग्रीमेंट के माध्यम से 1,00,000 रुपये बंदी हिसाब से किराए में दिया था, लेकिन संबंध दीपक साहू उसी दिन से फरार है। महीने होने के अंत के बाद भी इनको पैसे पेमेंट नहीं किया है और जेसीबी कहाँ चला रहा है, फोन भी उठा रहा है और फरार है। उस संबंध में इन्होंने पांचों लोगों ने यहाँ पर कल आवेदन दिया था, उस पर 400 के अपराध पंजीबद्ध विवेचना में लिया गया है।